जिनके पास खुद का लक्ष्य नहीं होता है, जिनके पास खुद का लक्ष्य नहीं होता है, वो फालतू के कामों और तनाव में सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसके लिए हर रोज़ मेहनत करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स, एक कदम सफलता की ओर जो आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की ओर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही नंबर गेनिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से मैग्नेटिक फील्ड का पूरा इतिहास और बायोग्राफी सब कुछ मिक्स है, इसलिए आप इसको बहुत ही इजीली तरीके से पढ़ें जिससे आप इसको आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकें। ओके, तो हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे ये आप समझिए। थोड़ा सा आप बहुत ही साधारण तरीके से समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होती क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? तो धारा से आपको समझ में आना चाहिए कि धारा क्या होती है एक्चुअल में। तो धारा को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो धारा होती है वो एक पानी का फ्लो होता है। पानी का फ्लो आपने देखा होगा किधर से किधर होता है। मैं आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें बताऊंगा जिससे आपको वो समझ में आए और आप उसे आसानी से रिलेट कर सकें। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आप कहाँ पर फील कर सकते हैं। अब मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा ना कि आप वायर को टच कर लीजिए, नंगे वायर को टच कर लीजिए और आप वहाँ पर आपको जो है अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू मिल जाएगी, आप उसकी वैल्यू को समझ सकते हैं वहाँ पर। ओके, तो मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मग पानी लीजिए और उस पानी को छत पर से डाल दीजिए नीचे की तरफ। तो पानी कहाँ गिरेगा? नीचे की ओर गिरेगा या ऊपर की ओर गिरेगा? तो ये पानी नीचे की ओर गिरेगा। तो आपको ये समझना है कि जो पानी नीचे की ओर गिर रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जो करंट का फ्लो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है। करंट का फ्लो उसी हिसाब से जो पानी का फ्लो है वो किधर से होगा? हाइट से नीचे वाली हाइट की ओर होगा। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो करंट कैसे बनती है? तो करंट को फ्लो कराने के लिए हमारे पास एक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। मीडियम तो हमने ले लिया कि हमारे पास मीडियम जो है वो मेटल का है। मेटल का मीडियम हमारे पास अवेलेबल है और उस मेटल के अंदर जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रिक करंट मेटल के अंदर कैसे फ्लो होगी। तो करंट को फ्लो करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है? तो जो मेटल होता है उसके अंदर फ्री चार्ज होते हैं। फ्री चार्ज होते हैं। फ्री चार्ज कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक एटम है, एटम सोडियम का है या मैग्नीशियम का है या प्लेटिनम का है या आयरन का है। तो Fe26 होता है, उसमें हमने एक आयरन की प्लेट ली, मतलब लोहे की एक प्लेट ली। उस प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही आसानी से वो घूम सकते हैं, उस मेटल की सरफेस पर घूमते रहते हैं। वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही जो है करंट बनती है। मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ पहले करंट की, फिर हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास होता है और निगेटिव चार्ज जो है वो एटम के बाहरी सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का होता है। ओके, इतना क्लियर है ना? आप समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है। तो करंट जो है पर यूनिट टाइम पर जितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी मेटल से, किसी भी रॉड से, किसी भी वायर से, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, Q = IT, ठीक है। क्यू क्या है? यहाँ पर चार्ज है और आई क्या है? करंट है। पर यूनिट टाइम पर जो करंट फ्लो हो रही है वो उसकी टी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक सर्किट है, ये एक वायर है, ये हमने मान लिया। यहाँ से ये छोटा सा वायर हमने ले लिया। अगर इधर से इधर की ओर इसमें क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, क्यू चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी रहे। ये हो जाएगा क्यू चार्ज में से अगर फ्लो हो रहे हैं टी टाइम में, ठीक है, पर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट का मतलब एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होगा मेटल से, ठीक है। हम वो कैसे काउंट करेंगे? यहाँ पर कुछ लगा देंगे जो उसे काउंट करता रहे आसानी से, जिससे आपको क्या हो वो समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे आपके घर के बाहर हमने एक CCTV कैमरा लगा दिया, उस कैमरे से जितने लोग इधर उधर जाएंगे उसे ही हम कहेंगे काउंटर, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ हमने काउंट कर लिया कि एक सेकेंड में कितने चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, वो जो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे ही हम
क्या कहेंगे, करंट कहेंगे। तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी, यहाँ पर टी क्या है, टाइम है, ठीक है, टी टाइम है, क्यू है यहाँ पर चार्ज, I क्या है करंट, तो करंट क्यू बाई टी। यहाँ पर डिफिनेशन आप बना सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। Q इज इक्वल क्या होता है, N इंटू ई। मान लीजिए एक हमने कंडक्टर लिया, वो आयरन कंडक्टर है, उसमें 10^23 पार्टिकल्स हैं, 23 पार्टिकल्स, तो Q इज इक्वल N इंटू ई। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा N E बाई टी। यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है। तो करंट का ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फिर जो है यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेसिक तरीके से, अच्छा सा मैं इसको बॉक्स में कर दे रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सी आसानी रहे आपको इसे याद करने में। अब यहाँ से कुछ और बेसिक फार्मूलों पे चलते हैं। तो आई जो दिया हुआ है ये करंट है, ठीक है, पर यूनिट टाइम पे जितना चार्ज फ्लो होता है उसे हम करंट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसका यूनिट पे आ जाइए, इसका यूनिट होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इसका यूनिट होता है एम्पियर। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है ए, डायमेंशन इसकी होती है ए। आपको याद, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो जिससे आपको आसानी रहे। इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर, और इसका डायमेंशन हो जाएगा ए। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हो जाएगी स्केलर, स्केलर मतलब अदिश राशि है, स्केलर मतलब अदिश है ये, ठीक है। अब आप सोचेंगे तो करंट के पास तो डायरेक्शन होती है, प्लस से माइनस की ओर चलता है, तो ये स्केलर कैसे हो गई। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ये करंट होती है वो प्लस से माइनस चलती है, बट ये जो एडिशनल लॉ होता है उसको ये फॉलो नहीं करती है, वेक्टर का एडिशनल लॉ जो होता है उसे ये फॉलो नहीं करती, इसलिए ये जो है क्या होती है, अदिश राशि। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने फोर्स में पढ़ा है कि अगर एक फोर्स इधर से इधर की ओर काम कर रहा हो 5 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स इधर से इधर काम कर रहा हो 5 न्यूटन का, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को मिलकर के कैंसिल कर देते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 हो जाता है। बट अगर हम यही करंट के फॉर्म में लें, यहाँ पर 5 एम्पियर की करंट है, यहाँ से इधर जा रही है, और इधर से इधर दूसरी 5 एम्पियर की करंट आ रही है, और यहाँ से एक अगर हमने जंक्शन यहाँ पर ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर हमको हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें 10 एम्पियर की करंट मिलती है। मतलब ये एडिशनल लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब तो करंट का हो गया, करंट के कुछ बेसिक फार्मूलाज बताता हूँ आपको, जो अच्छे से एग्ज़ाम में आते हैं धड़ल्ले से, और पूछे भी जाते हैं। अच्छा अच्छा तो करंट समझ में आ गया ना, करंट क्या होती है कि जैसे आप साइकिल से जाते हैं, पर यूनिट टाइम पर जो वेलोसिटी टाइप का होता है ना, वेलोसिटी क्या होता है, दूरी बटे समय, वैसे ही आवेश बटे समय जो होता है उसे हम करंट कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ओके। फिर यहाँ पर आ जाइए कुछ फॉर्मूले, फॉर्मूले में क्या हम देखेंगे, जैसे इसका एक बेसिक सा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर एक मेटल में दो टाइप के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव किधर फ्लो होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा जो है निगेटिव की ओर मूव होंगे, और निगेटिव वाले किधर की ओर फ्लो होंगे, पॉजिटिव की ओर फ्लो होंगे, ठीक है, इतना होगा। फिर जो है एक इसका फॉर्मूला, बट जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला मैं आपको वो बताता हूँ। एक सर्किल में एक करंट फ्लो हो रही है, मैं एक सर्किल यहाँ बना देता हूँ, इस सर्किल में एक करंट फ्लो हो रही है आई, और यहाँ से पूरा चक्कर लगाने में समय लग रहा है इसको टी टाइम लग रहा है। तो हमको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय से जो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं वो एक फार्मूला दूसरा है, एक दूसरा फार्मूला है वी बराबर आर ओमेगा। वी बराबर, अगर मान लिया इस करंट के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी वी है, तो वी बराबर होता है आर ओमेगा, आर मतलब इसकी रेडियस, मान लीजिए ये है इसकी रेडियस आर, तो आर ओमेगा कितना होता है 2π/T। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये वाला टी यहाँ जाएगा, ये वाला आई यहाँ आएगा, ठीक है, बस इसमें क्यू और आई की वैल्यू को पुट करना है। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल आर इंटू 2π/, ये हो जाएगा टी यहाँ जाएगा तो क्यू बाई आई, तो ये हो जाएगा क्यू बाई आई, तो ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा कितना q
क्यू बराबर वी क्यू बाई, ये रेडियस हो गई आई बाई टू पाई आर। ये आपका एक बेसिक सा फार्मूला है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिससे कि आप दो या तीन न्यूमेरिकल्स हर बार इससे मतलब आते ही आते हैं। ठीक है, ये इतना फेमस फार्मूला है कि इससे कोई ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है और किसी को ज़्यादा पता भी नहीं रहता, इसलिए एग्जामिनर क्या करता है यहाँ से क्वेश्चन को पुट कर देता है, जिससे आपका दिमाग थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए और आप उसको सॉल्व ना कर पाए, तो इससे क्या होगा कि जो है सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया, ये ऐसे बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। सबसे पहले आ जाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं किसी भी मेटेलिक प्लेट पर, जो मैंने थोड़ा सा पहले बताया था ना आपको। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करते हैं, आपको ये थोड़ा समझना होगा। आप टेंशन मत लीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फिजिक्स अगर नहीं भी आती होगी ना, तो आप एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन सही करके आएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इतना काम करिए कि आप ये पूरा वीडियो देखिए और आप भरोसा करिए हमारे ऊपर। भरोसा वो चीज़ है, वो पावर है, जिससे आप कहीं पर भी, मरुस्थल में भी एक बहुत बड़ा वृक्ष जगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? किसी भी मेटेलिक प्लेट में जो मोबल लगातार घूमने वाले पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यही आपको लिखना है अपनी नोटबुक पे। दूसरा क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कौन सा मोशन करते हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो मोशन करते हैं वो होता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन किसे कहते हैं? तो रैंडम मोशन उसे कहते हैं जैसे किसी एक पार्टिकल में कोई चीज़ मूव कर रही है। सपोज करिए, यहाँ पर मैं इधर थोड़ा बताता हूँ आपको, ये एक हमारी प्लेट है, इस प्लेट पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर गया, फिर इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया इधर, ऐसे करके ये हॉच पॉच मचाए हुए हैं। इस गति को हम कहते हैं रैंडम मोशन ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा रैंडम मोशन करता रहता है, बट उसका नेट चार्ज ऑलवेज जीरो होता है, इसलिए वो अपनी सरफेस को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता है। ओके, आपको इतना याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, रैंडम मोशन भी आपको समझ में आ गया आई थिंक। ये हो गया आपका रैंडम मोशन, रैंडम मोशन ये आपको दोनों फिजिक्स में काम आएगा, फर्स्ट सेकंड दोनों में रैंडम मोशन आपका हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ जो आपको मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं। रैंडम मोशन हो गया, रैंडम मोशन में वैसे तो इस करंट में बहुत सारे दो तीन और फार्मूले एग्जांपल मतलब एग्जांपल और फार्मूलाज जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, बट वहाँ पर मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो आपके काम के नहीं है अभी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि एक एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि एक एम्पियर करंट में जो है 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं। ठीक है, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं। अगर इतने इलेक्ट्रॉन एक वायर से फ्लो होंगे, एक वायर से जो है फ्लो होंगे, तो जो है इतने हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, रैंडम मोशन हो गया, अब हम लोग डिस्कस करने वाले फ्री पैथ मतलब माध्य मुक्त पथ, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब माध्य मुक्त पथ क्या होता है, जैसे समझ में आ रहा, माध्य और मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का जो माध्य पथ होता है उसे हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो यहाँ लिख सकते ना, तो ये हो जाएगा मीन फ्री पैथ। ठीक है, ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैं जो है इसका हो जाएगा माध्यम मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पे इसको फिगर समझाता हूँ जिससे आपको बहुत समझ में आ जाए आसानी से। ये हो गया हमारा एक पार्टिकल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन एक है, यहाँ से यहाँ तक गया टकराया, फिर यहाँ से दूसरे इलेक्ट्रॉन पर टकराया। ठीक है, फिर यहाँ से गया इधर, यहाँ पर वैसे भी आपको पता है ना कि मेटल के अंदर बहुत सारे 10⁻³⁸ या 28 अप्रॉक्सीमेट जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एक मेटल प्लेट के अंदर, मतलब वो इसकी क्वांटिटी के अनुसार है, या आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इतने होते हैं। तो ये इतना हो गया। अगर अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके टकराएगा, देखिए हमने क्या बताया फ्री पैथ, पैथ का मतलब पथ, पथ मतलब क्या लंबाई।
तो जो दो क्रमागत मतलब जो सीक्वेंसेस से दो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच जो टक्कर होगी ऐसे करके, वो टक्कर के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, डी मतलब लैम्डा। यही जो है माध्य मुक्त पथ है। अब इसी में आता है एक रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, एक आ जाएगा, ये समझ में आ गया ना आपको कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल के अंदर एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से हिट करते हैं, टकराते हैं, तो उनके बीच में जो उनकी डिस्टेंस शुरुआत में होती है वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। अब इसी के जस्ट आगे आता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है श्रांति काल, हिंदी में श्रांति काल कहते हैं। तो श्रांति काल का मतलब ये होता है कि यहाँ से यहाँ तक टकराने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम कहते हैं श्रांति काल। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक टकराने में टाइम लगा टाउ, मतलब टी टाइम लगा, तो वो जो टी टाइम है वही हम कहेंगे उसको श्रांति काल। ओके, श्रांति काल मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, इतना हो गया। अब जो है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके आगे, ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है ये फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मतलब हिंदी में कहें तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो मैं दूसरा टॉपिक लिख देता हूँ यहाँ पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ लीजिए आप, ड्रिफ्ट का मतलब होता है अनुगमन, अनु का मतलब होता है मुड़ जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना, ड्रिफ्ट हो जाना। जैसे कि कोई आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मुड़ गए या ऐसे मुड़ गए, जैसे कि मैं एग्जांपल बहुत आपको इतना खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ कि आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेंगे। एग्जांपल ये है, सपोज़ करिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और हुआ क्या कि जो है आपकी रस मलाई चमचम का मैसेज आ गया, ठीक है, या आपके सोना बाबू का मैसेज आ गया, या आपकी स्पेशल वाली रसमलाई का फ़ोन आ गया या कॉल आ गया या मैसेज आ गया, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे पढ़ रहे होते हैं, चुप से जाते हैं, फ़ोन उठाते हैं, चेक करने लगते हैं, तो आप क्या हो गए, पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, है ना। फिर आपने उसे मैसेज कर दिया कि अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करूँगा या करूँगी, जो भी है, ठीक है। तो इसे कहते हैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाना, ड्रिफ्ट मतलब थोड़ा सा अपने लक्ष्य से ड्रिफ्ट हो जाना, इधर जा रहे थे उधर से हट करके किसी और जगह पे ड्रिफ्ट हो जाना, यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर वेलोसिटी है तो उसके लिए क्या होगा, अब देखिए आपको ये याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया जिससे आप आसानी से समझ सके कि इसका मतलब क्या है। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको ऐसे समझाता हूँ कि हमने एक मेटल प्लेट ले ली, ये मेटल की प्लेट है, इस मेटल प्लेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इन्फिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, और उन रैंडम मोशन की वजह से उसमें क्या जनरेट हो रहा है, मीन फ्री पैथ मतलब माध्य मुक्त पथ हो रहा है, और उनके बीच लगातार टक्कर हो रही है, टक्कर में टाइम लग रहा है, वो टाइम जो है क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है इधर जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहा है। कुछ मैं साफ आपको बताता हूँ जिसे आपको आसानी समझ में आ जाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, दूसरा है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है जो भाई साहब इधर जा रहे थे, ये इधर जा रहे थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब हमने क्या करा, हमने इस प्लेट के इस सिरे और इस सिरे के बीच में दो प्लेट लगा दी, प्लेट मतलब एक प्लेट लगा दी पॉजिटिव, मतलब प्लेट का मतलब ये पॉजिटिव प्लेट मतलब पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इधर दे दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसे दिया, तो यहाँ पे हम एक बैटरी लगा देंगे इधर कनेक्ट करके, यहाँ बैटरी लग जाएगी। जब हमने यहाँ पर ये प्लस और माइनस का लगाया तो प्लस और माइनस लगाने की वजह से यहाँ पर क्या बन गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इस डायरेक्शन में इधर की ओर, क्योंकि देखो प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर या एफ इंटू क्यू, इतना होता है, ओ सॉरी एफ बाई क्यू होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, इसकी वैल्यू होती है एफ बाई क्यू, और एफ
भाई क्यू क्यू का मतलब एन इंटू ई, यहाँ पर हमने मान लिया कि एन इंटू ई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, एन इंटू ई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डी हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए ई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इतना हो गया, ये हमने मान लिया इसके बीच में लगा हुआ है। अब जहाँ पर पॉजिटिव है जहाँ पर निगेटिव है वहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल होगा एक निगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहाँ हमने मान लिया यहाँ पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल है यहाँ पर एक निगेटिव पोटेंशियल है, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, डेल्टा वी या वी ले लीजिए। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई बाई एल, वी बाई एल, ये होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया, आपको दोनों याद रखने हैं। अब दूसरे में आइए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव का, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसमें अप्लाई करेंगे अक्रॉस टू दिस, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर जा रहा था ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है प्लेट, तो माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। रिपेल का मतलब समझते हैं, निगेटिव निगेटिव को रिपेल कर देते हैं, तो रिपेल हो गया यहाँ पे। जैसे ही रिपेल होगा जो इधर जा रहा था वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा किधर की, प्लस की ओर, क्योंकि जैसे आप कहीं जा रहे हैं कार से बाइक से और आपको कुछ दिख गया स्पेशल जो आपको पसंद है, तो आप क्या करते हैं बाइक रोक देते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं, है ना। ये नहीं करना चाहिए आपको, इस समय तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो आपकी टेंशन है। अब ये यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट हो गया, इधर से इधर मुड़ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये मुड़ गया, तो इसकी वेलोसिटी बनी वी डी, एक वेलोसिटी बन गई वी डी यहाँ पर। इसी प्रकार सभी के बनेंगे, देखिए सभी ड्रिफ्ट होने लगेंगे इधर की ओर, ये वाला तो जा ही रहा, ये वाला इधर जाएगा, मतलब जो इधर जा रहा था पहले से ही वो बहुत तेज़ी से जाने लगेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया वी डी, सभी वीडियो हो जाएंगे। तो नंबर वन क्वेश्चन क्या बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जो अनुगमन वेग की दिशा है वो किधर होती है, ऑप्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सभी सज्ञान लोग जो होते हैं उसी में लगाते हैं कि भैया उधर ही भागेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में रहेगा, ठीक है। तो वी डी की डायरेक्शन इधर की ओर रहेगी, ये हो गई वी डी की डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन याद रखनी, इसमें से डायरेक्शन का ही बनेगा सिस्टम, ठीक है। ये डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन इधर हो गई, और फिर कैसे बनेगी इधर डायरेक्शन, फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, एफ इज इक्वल टू, ये फोर्स लगेगा ई इंटू ई माइनस का, माइनस का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ये आपको याद रखना है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत ही आसानी से याद रखना है। अब अच्छा ये मान लीजिए अगर वी डी जा रहा है तो वी डी जाने के लिए इसमें एक त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ होगा, वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में है क्या। तो हमने माना कि यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी वी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, फिर त्वरण था इसमें ए, और रिलैक्सेशन टाइम लेना है यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर सेट रखना है कि हम यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम लें, तो हमने टाइम ले लिया टाउ, ठीक है, ये टाउ हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है या है इसमें, तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया, तो इसकी वजह से ये फॉर्मूला बन गया वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, ये हो गया आपका एक फार्मूला, ये फार्मूला हो गया आपका एक इम्पॉर्टेंट वाला, आपको ये याद रखना है, आपको टाउ याद रखना है, टाउ जो होता है वो टाइम होता है, ठीक है, एट हो गया टाउ आपका। फिर दोबारा आ जाइए इसमें, टाउ हो गया यहाँ पर, अब ए यहाँ पर है एक्सेलरेशन, तो अब आपको फॉर्मूला याद रखना है फोर्स का, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल एम ए, एफ इज इक्वल एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एफ की वैल्यू भी हमने कितनी बताई, ई इंटू ई माइनस ई इंटू ई, यहाँ से ये आपको दिख रहा है ना, ई इंटू ई। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आपको सारे के सारे फॉर्मूले अपने याद रखने हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई ई बाई एम। यहाँ पर आपको माइनस से परेशान नहीं होना है, माइनस का मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये हो गया आपका इतना, अब ये वाली वैल्यू उठा के आपको यहाँ पर छाप देनी है, तो अब छापिए इसको जरा, वी डी इज इक्वल हो जाएगा माइनस का ई ई वाई एम और टाउ। अच्छा ये आपका एक हो गया वी डी का फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटी लाते हैं, टेक्निकलिटी मतलब ये लाते हैं, जैसे रिलैक्सेशन होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, अगर हम इस मेटल प्लेट का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, टक्कर जल्दी होने लगेंगी, मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घट जाएगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम घट गया मतलब ये टाउ कम हो गया, तो वी डी क्या हो जाएगा बताइए, वी डी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में आइए, हाँ ठीक है, अगर ये कम हो गया तो ये कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करने पर जो है VD की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। आपको ये भी याद रखना है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, आपको ये फॉर्मूला याद हो गया। अच्छा अब इसमें आइए, तो यहाँ पर हमने लिखा है E इज इक्वल वी बाई एल, मतलब इस पोटेंट इस गुटके के जो ए और बी पॉइंट है इसके दोनों तरफ जो पोटेंशियल है वो कितना है, तो पोटेंशियल है वी। तो यहाँ पर ये वी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, बन जाएगा VD इज इक्वल टू माइनस का ई, ये वाला ई बाई एम एम, और ये वाला एल, ये हो गया एल, ये हो गया वी, और ये हो गया हमारा टाउ। ये एक फार्मूला हो गया VD का। अब ये आपको फार्मूला याद रखना है। दूसरे में आइए, अब आपको याद रखना है कि धारा जो करंट है यहाँ पर, ये I और इस VD के बीच में क्या रिलेशन है, करंट और VD के बीच में क्या रिलेशन है। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल लफ्जों में बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने माना ये प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, प्लस या माइनस की करंट फ्लो होती है, ठीक है। करंट अगर फ्लो होगी तो ये गुटका दिया हुआ है, मतलब एक पार्ट एक इस हाँ एरियल टाइप का, मतलब एरिया है इसका, इसका एरिया हमने मान लिया ए है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी किसकी है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसकी वेलोसिटी है VD। तो VD की वजह से जो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन होगा, वो रिलेशन हो जाएगा हमारा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिलेशन, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। I इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NE, ये हो गया ना चार्ज, जो इसमें चार्ज द फ्लो रहा है, कितने चार्ज से फ्लो हो रहा है, ए से फ्लो हो रहा है, कितनी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, VD से फ्लो हो रहा है, यही फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। ये इन दोनों में रिलेशन हो गया सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, इन दो फॉर्मूलों को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। कैसे, अब जो ये फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में जो VD की वैल्यू है, इस VD की वैल्यू को उठा के यहां पर रख देना है, तो VD की वैल्यू यहां पर रखते चलिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू माइनस का ई वी टाउ बाई एम एल। ये हमने VD की वैल्यू यहाँ रखी, तो ये क्या हो जाएगा, I बाई एन ई ए बराबर माइनस का ई वी टाउ बाई एम एल। अब देखिए आपको जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ऐसे फॉर्मूले की तरफ, जो एक नया फॉर्मूला है जो आपको पता नहीं है बट मैं आपको बताने वाला हूँ, ओम्स लॉ। आपको पता है बट उस ओम्स लॉ में जो है एक डिफरेंट वे से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिससे आपको चीज़ें कनेक्ट होती चली जाएँ, वन बाय वन आपके दिमाग में पूरा का पूरा घुस जाए, सेट हो जाए, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियल हो गया, ये हमारा आई हो गया, आपको ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल है और ये आई है, वी बराबर आई आर हो गया। तो यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे वी, ये वाला वी, ये आई इधर जाएगा बाई आई इज इक्वल वी बाई आई बराबर एम एल, ये एम एल इधर गया, अपॉन एन ई स्क्वायर हो गया ए और ये टाउ। अब आपको याद रखना है कि जो ये वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू है, ये है आर की वैल्यू, मैं इधर लिख रहा हूँ इसकी, ये है आर की वैल्यू। और वी बाई आई जो होता है आर, ठीक है, आर रजिस्टेंस, यही ओम्स लॉ है। वी बाई आई की जो वैल्यू है ये क्या है, हमारे रेजिस्टेंस ओम्स लॉ है, ये कांस्टेंट है। अच्छा दूसरा एक आपको थोड़ा सा अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं, जिससे आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा। ये हो गया एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए, ठीक है। ये एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, शायद आपने नहीं पढ़ा हो बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ही सिंपल सा है ये, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस और सिर्फ इतना सोचना है कि इस फॉर्मूले का जो सीक्वेंस है वो क्या बना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेहनत करनी है, सिर्फ बने रहना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बोर नहीं होना है, ठीक है। जो लोग मेहनत करते हैं ना उनके लिए हमेशा हर चीज़ अवेलेबल रहती है, ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। ये इतना हो गया, अब मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ। ये m बाई एन ई स्क्वायर टाउ क्या होता है, m बाई एन ई स्क्वायर टाउ होता है रो, रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये हमारा निकला रेजिस्टेंस R, ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया। अब ये वाला हो जाएगी हमारी वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू है ये हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स टाउ, इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टाउ। ये देखिए मैं आपको एक नए अंदाज से पढ़ाऊँ जिससे आपको हर चीज़ कनेक्ट हो जाए। मैंने करंट से स्टार्ट किया था और ये वेलोसिटी आ गई, फिर उसके बाद में फार्मूला आ गया, फिर करंट का फार्मूला वेलोसिटी के फॉर्म में आ गया, फिर हमने ओम्स लॉ प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओम्स लॉ के बाद में रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का फॉर्म जो है ये एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ है। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, उससे आपको कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि इतना डीपली आपसे पूछने वाला है नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा आर, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब प्रतिरोध क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। जब मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि बताइए रेजिस्टेंस क्या होता, तो वो कहते हैं वी बाई आई। तो मुझे बहुत हंसी आती है कि वी बाई आई क्या होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी मेटल प्लेट में या किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो करता है या इलेक्ट्रिक फ्लो जो होता है उसका जो अपोजिशन करता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे कि आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, वहाँ पर भीड़ कम होगी तो आप आसानी से तेज जा सकते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उसका आप कहेंगे ना रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे, आज बहुत ट्रैफिक है, खून काला हो गया आपका। तो आपको खून काला नहीं करवाना है, आपको दिमाग लगाना है और रेजिस्टेंस को समझ लेना है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या करंट के रास्ते में आने वाली रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, आपको ये याद रखना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एम एन ई स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है टाउ। तो दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि रेजिस्टेंस किस पर बेस होता है, मतलब किस पर निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस के लिए आ जाइए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये इतने पे बेस होता है। ठीक है, आप अगर आर की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन किस पर बेस है आसानी से। तो आर अगर आप एरिया को बड़ा कर देंगे तो रेजिस्टेंस, वह सिंपल बात, अगर एक छोटी सी पतली सी रोड है उस पर तीन कार जा रही हैं तो कैसे जाएंगी, और इतनी बड़ी सी रोड है उस पर पांच कार निकाल दो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ है कि जो रेजिस्टेंस का मतलब है, एरिया बड़ा करने पर रेजिस्टेंस, एरिया हमने बड़ा किया रेजिस्टेंस कम हो गया, लंबाई हमने बड़ी करी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे कि ज़्यादा दूर जाते हैं आप कार से जा रहे हैं तो कार से थक जाते हैं, या बहुत दूर जाना है तो थकावट आ जाती है। इस तरह से याद रखिए कि लेंथ को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, एरिया को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में और आपको उसके बहुत ही आसान और अच्छे से जवाब देना है। मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन बता देता हूँ आपको, जो आपके दिमाग में आप बिल्कुल घर कर जाए जिससे। तो ये हो जाता है रिलेशन आर एंड रो। तो देखिए सिंपल सा है, कुछ नहीं, यहाँ पे है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और रो का फॉर्मूला। एग्जाम में क्या पूछता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो वो किसी भी वायर के मास पर, या जैसे मान लीजिए हमने एक वायर लिया और इसको तोड़ दिया, सपोज करिए कि इस वायर का रेजिस्टेंस जो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधकता जो है 10 है। मात्रक निकाल लीजिए यहाँ से, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मात्रक होता है ओम, इसका मात्रक, मैंने आपको यूनिट तो बताई नहीं, लो तो गड़बड़ हो जा रहा था अभी। तो इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेजिस्टेंस की यूनिट पे आ जाइए, रेजिस्टेंस की यूनिट पे आ जाइए, वी इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, इसकी यूनिट हो जाती है ओम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाओ, ये हो जाएगी इसकी यूनिट ओम, और इसकी यूनिट हो जाएगी, तो आप यहाँ से कर लीजिए, यहाँ ओम हो जाएगा, इसकी मीटर हो जाएगी, इसकी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर है यहाँ पर, ये हो जाएगा। तो रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, ओम मीटर रो की यूनिट। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और नहीं बताई हमने, जो रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट जो होती है वो कैसी होती है, स्केलर होती है या वेक्टर होती है। तो आपको खुद से क्वेश्चन कर लेना है, वो सभी राशियां वेक्टर होती हैं जिनमें डायरेक्शन होती है। तो क्या रेजिस्टेंस में डायरेक्शन होती है, नहीं होती, तो स्केलर है। रो में भी
स्केलर है। अब क्वेश्चन पे आपने आते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है उसमें क्या होता है। हालांकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बट ये एक वायर है, इस वायर को रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो 10 टू पावर 4 है ओम मीटर। अगर हम इसको बीच से तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी किसी भी मेटल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आई थिंक आज बहुत हो गया है, आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, अपना प्यार ज़रूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।